हेलो फ्रेंड्स, एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टेक अप क्वेश्चंस ऑन ठीक पॉलिटी सो दैट वी ट्राई टू सी व्हाट कैन बी द आंसर्स, व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम क्वेश्चंस, एंड लाइक इन द प्रीवियस सीरीज आल्सो, हियर आल्सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड गो थ्रू द प्रोसेस इन अ वेरी जेन्युइन एंड सेल्फ लर्निंग मैनर। होप दिस एक्सरसाइज हेल्प्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू। इनकरेक्ट बताना है हमें, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इनविसेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 552 है दोनों हाउस की मिला के। औशिक, यस व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस? फाइव 552। टू दूसरा हमने बोला स्टेटमेंट, आउट ऑफ 552, 530 मेंबर्स, ठीक है, 20 रिप्रेजेंट बाय द यूटी थ्रू द इलेक्शन। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज अ फैक्ट। द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। हाँ, द चेयरमैन ऑफ, चाहिए, मतलब सारे तो चेयरमैन नहीं करता है, स्पीक मतलब सारे, हाँ सॉरी, स्पीकर नहीं करते सारे चेयरमैन को अपॉइंट। प्रवेश, इनकरेक्ट है सर। इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। नाइनटीन नाइनटीन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीएससी इन इंडिया। पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1926। दोनों स्टेटमेंट ऑन बोर्ड करेक्ट होने चाहिए। कमीशंस भी आए थे। विद द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन केम टू बी नोन एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बिकेम चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन बाय द आर्टिकल 378 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हो, कोई स्टेटमेंट इसमें आपको गलत लग रहा है? औशिक, सचिन, नो सर, मतलब कोई स्टेटमेंट रॉन्ग? पहला सही, सेकंड सही है। बल्कि हमें यहां पर, मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो हुआ बिफोर इंडिपेंडेंस, जो भी बने थे, उसकी हमें कमिटीज के नाम पता होने चाहिए। देर वर डिफरेंट कमिटीज एंड कमीशन सेटअप फॉर पब्लिक सर्विस, फॉर पब्लिक सर्विसेज, उनके नाम हमें पता होने चाहिए और उनके रिकमेंडेशंस भी हमें पता होने चाहिए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, यू कैन से इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी इनडायरेक्टली रॉबर्ट क्लाइव से, और सिस्टमेटाइजेशन हुआ था इसका कॉर्नवालिस से, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट क्रिएट की थी वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे। विच ऑफ द थ्री कैटेगरीज ऑफ एडवोकेट्स आर एंटाइटल टू प्रैक्टिस बिफोर लॉ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज नॉट इन द लिस्ट? सर मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट्स तो नहीं सुना, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड है, सीनियर एडवोकेट्स, अंदर आ होता है भाई रहे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट्स कुछ? सचिन, समर्थ, हाँ, नो सर, ऐसा कुछ नहीं होता यस सर। सर। चलिए आगे। सीनियर रहते हाँ, सर, सीनियर है। एडवोकेट जनरल रहते सर। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल शेल नॉट एक्सीड 40 मेंबर्स, 40 मेंबर से ज्यादा नहीं होगा, 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसकी, मिनिमम ऑफ द 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन हैव मैक्सिमम 1/6 ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स, दीज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या बोलते हो, दोनों स्टेटमेंट सही सेकेंड है? सेकेंड रॉन्ग है, फर्स्ट सेकंड रॉन्ग होगा, फर्स्ट सो फैक्ट है, फर्स्ट तो पता होना चाहिए। फर्स्ट फैक्ट भी है, लेकिन सिर्फ 40 मेंबर से ज्यादा नहीं होगा किसी भी कॉस्ट पे। शैल नॉट एक्सीड 40। दोनों गलत है। दोनों गलत है मेरे हिसाब से। किन सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट्स आर डीबार्ड टू इंटरफेयर इन इलेक्टोरल मैटर्स? डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। किस मैटर में कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता? डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। सेकंड लॉबी और सर, अलॉटमेंट ऑफ नहीं कर उसमें भी नहीं सकता कर सकता। चलिए आगे। सर। मतलब अगर कोई इशू होता है उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट नहीं इंटरवीन कर सकता? अब इशू क्या है, मर्डर हो गया किसी का तो बात और है, लेकिन ये तो टेक्निकल प्योरली इलेक्टोरल एक्सरसाइज के पॉइंट है। हाँ, एस्पेक्ट में नहीं कर सकता नहीं कर सकता। इस। चलिए आगे। जीएसटी, हाँ भाई, जीएसटी कोरम 50% में होना चाहिए टोटल मेंबर का। 50% से कम मेंबर है तो भैया मीटिंग ही नहीं होगी। True, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज 2/3, स्टेट गवर्नमेंट का 1/3, false. ऐसा है क्या? This is उल्टा correct. फॉल्स, Correct है सर, वन है? बाय थ्री है सर।
नहीं, दिस इज कौन करेक्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 है, स्टेट स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 है। गवर्नमेंट का ज्यादा होना चाहिए मानसी, मेरे हिसाब से. सर मैंने चेक तो किया था, सेकंड इज करेक्ट रॉन्ग, है. सेकंड सेकंड इज रॉन्ग सर। इज रॉन्ग. हाँ सेकंड इज ओके मानसी, रॉन्ग, तो मैंने ठीक चेक है भी किया प्लीज है क्रॉस। पूरा, आपने उल्टा देखा था, रिसेंटली अभी देख लो, लिखी कोई हूँ. दिक्कत नहीं. हाँ देख लेना. कॉन्सियस डिसीजन आर टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस टू देन सर, थ्री फोर्थ एंड ऑफ द दिस इज वेटेज ऑफ द करेक्ट, वोट थ्री ऑफ द. फोर्थ ठीक है 20%। ठीक सो है, प्लीज फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट. में कंफ्यूजन है, क्या लेकिन कंफ्यूजन सेकंड बोलो. स्टेटमेंट है ही नहीं सर इसमें, मतलब सब में दिया हुआ सेकंड स्टेटमेंट। हाँ तो अब सेकंड सेकंड इज का सब जगह करेक्ट दिया ना हुआ है तो हमको. फिर नहीं, इसका मतलब ये नहीं लेकिन सेकंड लेकिन करेक्ट है. गलत है सर सेकंड, सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि हाँ हो सकता है गलत. 2/3 था और स्टेट ताकि 75% चाहिए। ओनली द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट कैन रिप्रेजेंट द स्टेट इन जीएसटी मीटिंग्स, ऐसा है क्या? और ओनली द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स. नो चलिए आगे चलिए, तो इसी क्लैरिटी से आपको देखना है और चीजों को भी. मानसी, यू कैन क्रॉस चेक दैट क्वेश्चन ऑल्सो, बट आई जी बिलीव दैट मैम, मस्ट बी रॉन्ग. आई विल रीचेक सर. पंचायती राज के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एससीज एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन साइज इन द स्टेट, एससीज का और एसटी का भी लिंक्ड विद देयर पॉपुलेशन हाँ साइज, सर, ओबीसी का नॉट नेसेसरी लिंक्ड विद देयर पॉपुलेशन साइज. हाँ सर, थ्री हाँ सही है, 1 सही है सर। सर, पर 3 किस बेसिस पे होता है? इट इज लिंक्ड टू व्हाट देन इफ नॉट पॉपुलेशन साइज? बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन पॉपुलेशन साइड पर नहीं होते कभी भी सर, नो नो सिर्फ ऐसी होता है, एससी है भी कि नहीं होता होते, है. मेरे को तो यही डाउट है। नहीं नहीं, होती है, डिपेंडेंट ऑन द एक स्टेट, ये स्टेट के डिस्टिंक्शन भी पास होता है. पावर है तो वो कर सकते हैं। एक ये अभी डिस्टिंक्शन भी होता है देखो, कि मैंडेटरी मैं है सिर्फ कि नहीं है मैंडेटरी नहीं है एप्लीकेशन देना. बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और दूसरा, अभी आप यूपी में देखिएगा, कुछ एक केस भी चल रहा है फिलहाल यूपी के अंदर. अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने की कुछ बात थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ बोला था, लेकिन देन इशू इज देयर. प्लीज क्रॉस चेक दैट. यूपीएससी इज नॉट कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट में है, डिसिप्लिन में है, डिसिप्लिनरी मैटर्स में है. द मैनर इन विच अफेक्ट मे बी गिवन टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 335. अब बताइए आर्टिकल 335 क्या है, पता है आपको? शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन से रिलेटेड है सर, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन। हाँ तो उसमें रोल नहीं होगा इसका. चलिए नेक्स्ट. जी, इन इंडिया इफ रिलीजियस कम्युनिटी इज अकॉर्डेड ए स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, देन विच आर द एंटाइटलमेंट्स? वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली नॉमिनेट कर देता है उनका मेंबर लोकसभा में, ऐसा तो नो नहीं सर, है. सेकंड गलत है, पहला दे कैन डिराइव है बेनिफिट सही है। फ्रॉम हाँ पीएम्स 15 पॉइंट प्रोग्राम, ये बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा सही है. सर, चलिए नेक्स्ट. तो एग्जाम में हम इलिमिनेट तो फर्स्ट करेंगे ही. हाँ बोलो, सेंटेंस एक्सक्लूसिव वर्ड यूज कर रहे हैं तो ट्रू है, तो क्या हुआ? एक्सक्लूसिव एजुकेशन तो ट्रू आर्टिकल है भाई. 29 हाँ अरे है कर ना, सकते हैं। खालसा, खालसा एजुकेशन सोसाइटी है, ठीक और उसके बाद जो है ये तुम्हारा AMU क्या है सब, AMU एंड इवन दिस सेंट जामिया. स्टीफन कॉलेज, हाँ स्टेन स्टीफन कॉलेज, गुड एग्जाम्पल. चलो आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द इंटर स्टेट काउंसिल, ये भी हम पहले कर चुके हैं. सर इट्स ने हाँ सर पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें आर्टिकल नहीं दिया हुआ था कि मेंशन कि इन आर्टिकल दिस इट हैज बीन सेड दैट दे कैन एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये खाली बता रहा। आर्टिकल में मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों कर सकते एक तरह से। हाँ ऑब्वियसली वो तो है ही. ये बताइए, इंटर स्टेट काउंसिल, इट इज एस्टेब्लिश बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, इट्स नेचर और ड्यूटी डिफाइंड बाय पार्लियामेंट, इट एस्टेब्लिशमेंट इज मेंट टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट. थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, नेचर ऑफ ड्यूटीज इज डिफाइंड बाय पार्लियामेंट. कैसा है? हाँ, इंटर स्टेट काउंसिल की नेचर ऑफ ड्यूटीज नो सर, पार्लियामेंट डिफाइन करे? नो आई डोंट नो थिंक सो. ये तो सर, ये इसका तो मतलब जो रीजन है, है बोलिए. क्योंकि सर पार्लियामेंट में अलग अलग स्टेट की जो सीट्स हैं वो किसी स्टेट की छोटी है, किसी स्टेट की ज्यादा सीट है, तो अगर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी तो बायसनेस का चांस रहेगा, इसलिए प्रेसिडेंट करते हैं। गुड, वैलिड लॉजिक अप टू सर्टेन पॉइंट, गुड यस. चलिए नेक्स्ट.
The historic decision of Supreme Court has accepted the right to privacy under Article 21 of the Indian Constitution, which guarantees the right to life and personal liberty. ठीक है जी, राइट टू प्राइवेसी की बात भी हो गई, फंडामेंटल राइट्स की बात भी हो गई, और मतलब लिबर्टी की बात भी हो गई. विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज विल गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन? आईपीसी सेक्शन 377 और इथनेजिया. तो तो कोई ये भी नहीं तो होना दोनों ही चाहिए. ना, दोनों ही अलग अलग हैं. ये इथनेजिया तो मतलब राइट टू डेथ, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं भैया आपको पीसफुल डेथ, जैसे नीदरलैंड्स में है ये और भी राइट टू कंट्रीज डाई में विद बहुत. डिग्निटी, हाँ, राइट टू डाई विद डिग्निटी. और आईपीसी सेक्शन 377 सो रिलेटेड टू डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोस डिक्रिमिनेशन ऑफ होमोसेक्सुअल. हाँ, होमोसेक्सुअलिटी. डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी. चलिए नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? ये बढ़िया है, बोलो. 54 तो 44th होगा है नहीं. सर, हाँ, 44th, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट ऑब्लिगेटरी फोर्टी फॉर द प्रेसिडेंट? फर्स्ट 42nd, 41, 41st हो फोर्टी सकता है फर्स्ट सर. मैंने तो इसी हिसाब से इसको किया कि सबसे अर्ली अमेंडमेंट कौन सी है, तो अकॉर्डिंग टू आपको फिर भी फर्स्ट. सीक्वेंस से पता होने चाहिए, पर ठीक है, आंसर तो लास्ट में राइट ही होना चाहिए. फोर्टी लेकिन फिर भी सेकेंड अगर नाइनटीन आपने, सेवेंटी सिक्स 44th इमरजेंसी के बाद है 78, 1978. चलिए नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? लेजिस्लेटिव पावर, पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड मे प्रोग्रेस सच ऑर्डिनेंसेस एंड द सर्कमस्टेंसेस अपीयर पेरियड टू रिक्वायर. True, so. एन No. ऑर्डिनेंस, True. एन ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड बाय प्रेसिडेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. So true. बट एवरी सच ऑर्डिनेंस शैल बी लेड बिफोर बोथ ऑफ द पार्लियामेंट एंड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 3 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट. 6 weeks अगर. हाँ जी, 6. Once promulgated, an ordinance can't be withdrawn at any time by the president. That is also false. False. Oh, It can be false. withdrawn. It can be withdrawn, obviously. चलिए, 6 weeks. Good. In the case of Government of India versus LIC India, 1995, the Supreme Court of India ने क्या बोला? Preamble is an integral part Preamble of is integral Constitution. part. ठीक है, चलिए. ये दोबारा रिवाइज एक बार कर दोगे तो सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. कौन से कमीशन और कमिटीज ने रिकमेंडेशन दी कि प्रोविजन होना चाहिए इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर का बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अलोंग द सेम लाइन दैट ऑफ प्रेसिडेंट? बताओ. गुड क्वेश्चन. दवे कमेटी, जीवी कृष्णा कमेटी, एमएम पंची कमीशन, के संथानम कमेटी? प्रवेश, I'll go with the GV Ramakrishna. अच्छा जी, और किसी का कोई आंसर? बताइए औषिक. संतानम हो सकता है, मतलब नहीं पता सर. नहीं पता. सो विल क्रॉस चेक इट ऑल ऑफ यू एंड विल डिस्कस दैट आल्सो. पंची कमीशन और सरकारी कमीशन ने बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंड दिए थे, पर यहाँ पंची कमीशन का नाम है, सरकारिया का नहीं है. बट देन ठीक है, संतानम कमिटी इज रिलेटेड विद आई थिंक सीवीसी आल्सो, इफ आई एम नॉट सीवीसी मिस्टेक. सर, यस सर पता मुझे भी. हेलो सर, बोलिए. मैं कह रहा हूँ पता मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरा एलिमिनेशन क्या है सर? दवे साहब जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, और इनके बारे में मैंने पढ़ा तो इनका ऐसे कुछ नहीं है कि एम एम पुंची ने कभी गवर्नर को इम्पीच करने की बात नहीं की. के संतनम सीवीसी है, तो जीवी ठीक है, रामकृष्ण चलिए, कमेटी, रामकृष्ण बेसिकली साउथ इंडिया से भी है, तो चलो, साउथ इंडिया. ठीक है. आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज आर हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ. बताओ. और 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 एक्सक्लूडेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम द परव्यू ऑफ लॉ अंडर द आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है 1971 का, उसने एक्सक्लूड कर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे एक्सक्लूड किया सो ये ट्रू जो होगा, लॉ ट्रू को. ठीक है, होगा. और फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट इज सो आल्सो फर्स्ट में मेरे को यहाँ कस्टम्स भी पार्ट हो सकते हैं लॉ के, इस पे मेरे को डाउट आया. कस्टम्स और यूसेज, कस्टम्स और कस्टम्स भी यूसेज लॉ दैट हो कैन बी. सकते हैं कि नहीं? ये तो हमें एक्चुअली में जो ओरिजिनल जो कॉपी है उससे हमें पढ़ के देखना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रॉम्प्टिंग हियर आल्सो.